नवरात्रि के मौके पर पीएम मोदी ने किया गिरनार रोप वे का उद्घाटन। किसान सूर्योदय योजना की भी आज से हुई शुरुआत। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में मिलेगी बिजली। आरजेडी के घोषणा पत्र में वादों की बौछार। प्रण हमारा नाम से जारी किया घोषणा पत्र। बेरोजगारी, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर दिखा पार्टी का फोकस। मुफ्त सुविधाएं बांटने की भी कवायद जारी। नहीं थम रहा आइटम वार। अब इमरती देवी का आया विवादित बयान। कमलनाथ पर की अमर्यादित टिप्पणी। इसके पहले भी कमलनाथ पर दे चुकी हैं आपत्तिजनक बयान। बिहार में वार पलटवार का दौर तेज। आरजेडी के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। तेजस्वी के वादों को बताया झूठा। कहा झूठे वादे कर रहे हैं तेजस्वी। रेल विकास निगम में 15% तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। सरकार ने मर्चेंट बैंकर से किए आवेदन आमंत्रित। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने जारी की सूचना। दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली की वायु गुणवत्ता हुई और खराब। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 पर दर्ज। रालोसपा ने जारी किया वचन पत्र। उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा और रोजगार का किया वादा। पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने का भी दिया आश्वासन। नीतीश सरकार पर किया तंज। कन्हैया कुमार ने एनडीए को घेरा। बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। कहा सब बीजेपी में आकर साफ सुथरे हो जाते हैं। यहीं पर मैं कभी नहीं आऊंगा। मुफ्ती की रिहाई के बाद कश्मीर पर सियासत तेज। महबूबा मुफ्ती के बयान पर मचा बवाल। बीजेपी ने देशद्रोही बताते हुए की एक्शन की मांग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी चीन को चेतावनी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले ये 1962 का समय नहीं। भारतीय सेना कभी नहीं हटेगी पीछे। भारत के प्रति भारत के क्षेत्रों पर इस बार नहीं किया दावा। विजयादशमी के मौके पर पीएम ओली ने जनता को दी शुभकामनाएं। नेपाल के नक्शे पर लिखा था शुभकामना संदेश। भारत के क्षेत्रों पर इस बार नहीं किया दावा। पाकिस्तान को नहीं मिल रही राहत। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दिया झटका। न तुर्की की चली न चीन का मिला साथ। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार। तुर्की में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले का खतरा। हाई अलर्ट पर पूरा इलाका। अमेरिकियों और अन्य विदेशियों पर संभावित हमले की मिली खबर। ताइवान को हथियार बेचने से अमेरिका पर बौखलाया चीन। कहा करेंगे जवाबी कार्रवाई। चीन ने ताइवान को हथियार देने पर अमेरिका को जंग की दी धमकी। अमेरिका में तेज है सियासी सरगर्मियां। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप को नस्लवादी बताया। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। आरबीआई गवर्नर ने सरकार को दी चेतावनी। दोबारा कोरोना बढ़ने पर पड़ सकता है अर्थव्यवस्था पर असर। अभी से विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहे सरकार। राज्यों को मिली जीएसटी मुआवजे की पहली किस्त। केंद्र ने ट्रांसफर किए 6,000 करोड़। सरकार ने 5.19% ब्याज पर लिया है कर्ज। संजय दत्त की फिल्म केजीएफ 2 में किए जाएंगे कई बदलाव। कैंसर से जंग तो जीत ली लेकिन एक्शन सीन नहीं कर पाएंगे संजय दत्त। संजय दत्त के थे दमदार एक्शन सीन्स। 2024 तक $55 अरब का हो सकता है भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग। 10% के दर से बढ़ेगा भारतीय मनोरंजन और मीडिया सेगमेंट। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने जारी की रिपोर्ट। और आज आईपीएल 2020 में होगा डबल हेडर मैच। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दूसरे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला।